हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। ये हमारी वायुमंडल से रिलेटेड पार्ट 3 वीडियो है और ये हमारी लास्ट वीडियो है वायुमंडल से। हमने सभी वीडियो में ऑल जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं वो बता दिए हैं, तो ये लास्ट वीडियो है। सो फ्रेंड्स, आपसे बस एक गुजारिश है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। तो लेट्स स्टार्ट। आई नो स्पेयर, और इसे हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 82,640 किलोमीटर। ओके, 82,640 किलोमीटर। इस लेयर में, आइनोस्फेयर में जो चार्ज होते हैं वो जो चार्ज मोस्टली चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं, तो इसी चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, तो इसलिए इसे आइनोस्फेयर कहते हैं। ओके, इसकी बेसिकली तीन परतें होती है, डी ई एंड एफ, 3 लेयर्स। ओके, इस लेयर में सैटेलाइट्स होते हैं। जो ह्यूमंस सैटेलाइट्स भेजते हैं वो इस लेयर में होते हैं, इस लेयर में प्लेस होते हैं। ओके, इन लेयर्स का मेनली जो काम होता है वो होता है जो अर्थ से ट्रांसमिटेड रेडियो वेव्स होती है उनको वापस अर्थ में भेजना। ओके, फॉर एग्जांपल हम फोन से कुछ मैसेज भेजते हैं तो पहले वो सैटेलाइट को जाता है, फिर वो दूसरे पर्सन को जाता है। सैटेलाइट एज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। सैटेलाइट भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो सैटेलाइट इस लेयर में होते हैं। पोल्स यानी नॉर्थ और साउथ पोल्स, नॉर्थ और साउथ पोल्स पर जो भी लाल रंग का ओरोरा की चमक होती है, ओरोरा होता है यानी लाल रंग का की चमक से दिखाई देती है, मींस वेव्स टाइप में दिखता है जो लाल कलर, उसे ओरोरा कहते हैं। इसी मंडल के कारण होता है, यानी आइनोस्फेयर के कारण ही वो दिखता है, ओरोरा बोलते हैं उसे जो पोल्स में होता है। और मेन काम इसका होता है रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करना। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 5568 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ओके, इस लेयर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 10,000 किलोमीटर के बाद ये स्पेस में घुल जाता है। 10,000 किलोमीटर के बाद जो हमारा वायुमंडल है वो स्पेस में घुलने लग जाता है। तो ये था हमारा वायुमंडल। इसके जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे उन्हें मैं लिख कर बताता हूँ थोड़ा पूरा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि मैंने कहा था, जो वायुमंडल की ऊपरी परतें होती है, जो वायुमंडल की ऊपरी परतें होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं एरोलॉजी, और निचली परतों की स्टडी, वायुमंडल की निचली परतों की स्टडी को बोलते हैं मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी, जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है, यानी कि 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21 या 20.9%, और उसके बाद होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड आर्गन इज 0.9%। ओके, जो ऑक्सीजन होती है वो 60 किलोमीटर तक फैली होती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है वो 60 किलोमीटर तक फैली होती है। ओके, तो ये था हमारा टॉपिक।
Please like, share and subscribe the channel if you got more and more videos. Support us and thank you. तो दोस्तों ये थी वायुमंडल से रिलेटेड सभी वीडियो जो इम्पोर्टेंट MCQs वायुमंडल से रिलेटेड आस्कते थे वो सब हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको बस इतना ही करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि आपके दोस्त भी इसका आनंद ले सकें।